परिभाषा, रस की परिभाषा देखिए। परिभाषा, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस कहा जाता है। पाठक श्रोता के हृदय में स्थाही भाव ही विभावादेह से युक्त होकर रस रूप में परिणत होते हैं। स्थाही भावी विभाव से संयुक्त होकर मिलकर, विभाव से मिलकर, स्थाई भावी विभाव से मिलकर परिणत होते हैं। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस के चार अंग हैं: स्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। स्थाई भाव क्या है देखेंगे। स्थाई भाव अर्थात प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थाई भाव की संख्या 9 बताई गई है। बाद के आचार्य ने दो और रसों की चर्चा की है, वात्सल्य रस और भगवत विषयक या भगवत रस, भक्ति रस। इस तरह स्थाई भावों की संख्या 11 मानी गई है, अर्थात रसों की संख्या 11 हो गई है। नोट, विकल्प में 9 व 11 दोनों हो तो 9 का ही चयन करें। ओके, फर्स्ट रस श्रृंगार रस। स्थाई भाव है रति। श्रृंगार रस से रति पैदा होती है स्थाई भाव मन में। करुण रस से शोक पैदा होता है मन में। रौद्र रस से क्रोध पैदा होता है मन में। अद्भुत रस से आश्चर्य और विस्मय पैदा होते हैं मन में। शांत रस से निर्वेद और निवृत्ति पैदा होती है मन में। भक्ति रस से भगवान विषय रति गुण पैदा होते हैं मन में। ओके, हास्य रस से हंसी पैदा होती है मन में। स्थायी भाव हंसी है। वीर रस से उत्साह, मार काट करने का उत्साह पैदा होता है वीर रस से। भयानक रस से भय पैदा होता है भय। विभत्स रस से जुगुप्सा, जुगुप्सा पैदा होती है विभत्स रस से। वात्सल्य रस से वात्सल्य, वात्सल्य प्रेम प्रीति पैदा होती है मन में। विभाव का कारण, विभाव कारण स्थाई भाव के उद्बोधन उद्बोधक कारणों को विभाव, जन्म देने वाला कारक कहा जाता है। विभाव ही स्थाई भाव को जन्म देता है। रस, स्थाई भाव ऑलरेडी मन में रहता है, विभाव उसको उकसाता है। रस संबंधी विविध तथ्य, श्रृंगार रस को रस राजा, रसंपति कहा गया है। नाटक में 8 ही तरह के माने जाते हैं, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व विभक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज्यादा उपयुक्त है। रसों की संख्या 9 है जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने देव और भावों, वात्सल्य और भगवत विषय रति को स्थाई भाव की मान्यता दी। इस प्रकार स्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। रस एक दृष्टि, रस के अंग 4 स्थाई भाव है प्रधान भाव। स्थाई भाव की संख्या 9, स्थाई भाव की मान्यता है 11। मूलतः रसों की संख्या 11 9। विभाव के कितने हैं, 2। विभाव के कौन कौन 2 है, आलंबन और उद्दीपन। आलम्बन होता है दूसरे पर और उद्दीपन करता है, तभी रस जागता है। आलम्बन
के कितने भेद है? आलंबन के दो, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रित होकर आलंबन होता है और विषयक होकर आलंबन होते हैं। उद्दीपन विभाव के चार भेद है, आलंबन के गुण, आलंबन का अलंकार, आलंबन की चेष्टा, तटस्थ। अनुभाव का अर्थ, विभावों के उपरांत जो भाव उत्पन्न हो वह अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के कितने प्रकार हैं? चार, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। विभाव, सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं? आठ, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। आलंबन ये भाव कारण जिसका सहारा या आलंबन प्रकार स्थायी, जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक नायिका, आलंबन विभाव। आश्रित आलंबन, विषय का आलंबन। आश्रय के मन में भाव जगते हैं तो वह आश्रय आलंबन कहलाता है, जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगते हैं तो राम आश्रय होंगे। जिसके प्रति विषय आलंबन, जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगते हैं यह विषय आलंबन कहलाता है, जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो सीता विषय हुई, आलंबन राम हुआ। आश्रय हुआ राम, सीता विषय हुई, अर्थात राम आश्रय व सीता विषय। उद्दीपन जिस वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिस वस्तु या स्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं, जिस वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं उद्दीपन, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, एकांत स्थल या नायिका या नायका नायक नायक एकांत स्थल नायक या नायिका के शारीरिक चेष्टा। अनुभव, अनुभव का शाब्दिक अर्थ है भाव का अनुगमन करने वाला। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं। विभाव के को कारण तथा अनुभाव को कार्य कहा जाता है, अर्थात आश्रय के शरीर में शरीर के विकारों को अनुभाव कहते हैं। रस, रस स्थायी भाव, विभाव के उत्पन्न होने वाला अनुभाव, संचारी भाव। रस, श्रृंगार रस, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। रति, रति हास्य, हास्य का हास्य, रसिक रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स घृणा, जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, शांत का
निर्वेद वात्सल्य का वात्सल्य रति, भगवत विषय रति अनुराग, उसके बाद विभाव भाव को उत्पन्न करने वाला आलंबन विभाव, जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो, उद्दीपन विभाव जो भाव को गति प्रदान करे, आश्रय आलंबन आश्रय जिसके मन में भाव जगे, विषय आलंबन विषय जिसके प्रति भाव जगे, उद्दीपन विभाव जो भाव को गति प्रदान करे, आलंबन के गुण आलंबन की चेष्टा आलंबन का अलंकार तटस्थ, भाव भगवत विषय इसका है क्या, अनुभव सात्विक कायिक वाचिक आहार्य, स्तंभ स्वेद रोमांच, स्वादभंग कंप, वै वर्ण्य रंगहीन शत्रु परलय, जिज्ञ संज्ञाहीनता चेष्टा, याद करने के लिए सूत्र, स्तंभ स्वेद स्व स्तंभ स्वेद स्वरभंग वैवर्ण्य अश्रु कंप रोमांच परलय, संचारी भाव कितने हैं, 33 हैं। हर्ष विषाद त्रास भय व्याग्रता लज्जा ग्लानि चिंता शंका असूया, दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष विरोधी का अपकार करने की क्षमता से उत्पन्न मोह गर्व उत्सुकता उग्रता चपलता दीनता, उजड़ता आवेग निर्वेद अपने को कोसने धिक्कारना, धृति अच्छे की पूर्ति चित्त की चंचलता का अभाव, मति विबोध चैतन्य लाभ, श्रम आलस्य, स्वप्न स्मृति उन्मद उन्माद, अवहित्य व्याधि रोग, वितर्क निद्रा मद अपस्मार अच्छाई मूर्छा मरण। संचारी भाव मन में संचार करने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। रसों का परिचय, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के दो भेद है, संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। रति नामक स्थायी भाव की श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। नायक नायिका के मिलन के प्रसंग में संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है। इसके अवयव निम्नवत है, आश्रय नायक आलंबन, नायिका दीपन, नायिका की चेष्टा हाव भाव, तिरछी चितवन मुस्कान, अनुभव कटाक्ष आलिंगन चुंबन आदि। संचारी भाव लज्जा हर्ष चपलता, उदाहरण बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुनु हंसदेन के नटी जाए, तरिनी तनुजा तट तमाल तरुवर बधु छाए, झके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। नेक्स्ट वीरस, गुस्सा नामक स्थायी भाव ही वीर रस का परिणत हो जाता है, रस में परिणत हो जाता है। इसके अवयव निम्नलिखित के, स्थायी भाव उत्साह आलंबन शत्रु आश्रय नायिका वीर पुरुष, उद्दीपन युद्ध के बीच, अनुभव अंगों का फड़फड़ाना फड़कना या रोमांच। उदाहरण के लिए वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो की सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं,
साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा सवाजी शिवाजी जंग जीतना चलत है। शांतरस। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्नलिखित है। स्थायी भाव निर्वेद आलंबन ईश्वर चिंतन संसार की असारता आश्रय ज्ञानी व्यक्ति उद्दीपन उत्संग सत्संग दार्शनिक ग्रंथों का पठन आदि। संचारी ग्लानि उद्वेग दैन्य जड़ता। उदाहरण के लिए मन रे तन कागद का पुतला, लागो बूंद विनसी जाए छीन में गरी, गर्व करे क्यों इतना तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत। अनुभव कार्य सात्विक वाचिक कायिक आहार्य। जो विकार या चेष्टा शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में हो, 8 प्रकार के हैं। जो विकार या चेष्टा शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती है, उन्हें कायिक अनुभव अनुभाव कहते हैं। जैसे भय में भागना, क्रोध में भला बुरा कहना, रति में चुंबन आलिंगन कटाक्ष आदि। स्तंभ प्रसन्नता लज्जा आदि के कारणों से शरीर की गति रुक जाती है। कंप हर्ष तिरेक काम भय आदि के कारण से शरीर का कांप जाना। स्वर भंग हर्षाधिक्य शोक भय मद के कारणों से मुख को स्वाभाविक गति से वचनों का न निकलना। भय शोक काम शंकादि कारणों से शरीर का अंग रंग उड़ जाना। अश्रु आनंद आनंदित आनंदातिरेक शोकादि कारणों से आँखों में पानी भर आना। प्रलय विरह जन दुख भय शोक के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। भय लज्जा प्रेम आदि के कारणों शरीर से पसीना आना। काम हर्ष भय आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। वैसे 90 सात्विक अनुभव के ब्रह्मा जमहाई को माना जाता है। इन्हें सात्विक भाव को तन संचारी भी कहते हैं। देवना वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। नेक्स्ट वात्सल्य रस। वात्सल्य नामक स्थायी भाव युवावादी के संयोग से वात्सल्य रस के परिणत होते हैं। इसके अवयव निम्नलिखित है। स्थायी भाव वात्सल्य आलंबन पुत्र या संतान, आश्रय माता पिता, उद्दीपन संतानों के क्रियाकलाप। उदाहरण के लिए जसोदा हरिपाल ने झुलावे हल रावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कुछ गावे। हास्य रस। किसी व्यक्ति के विकृत आकार वेशभूषा वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। इसके अवयव निम्न है। स्थायी भाव हास्य आलंबन दूसरों की विकृति आकार वेशभूषा वाणी और चेष्टा आदि। उद्दीपन हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टा अनुभव ओंट नाक आदि का पूरण मुख का विकसित होना। संचारी आलस्य निद्रा आदि। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिय तरी तुलसी को कथा सुनी भे
मुनि वृंद सुखारे हय हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुथारे। भयानक रस। किसी जयप्रद वस्तु व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे। भयानक रस की व्यंजना करता है इसके अवयव। इसके अवयव निम्नांकित है। स्थायी भाव भय आलंबन भयानक दृश्य दीपन आलंबन की चेष्टा नीरवता कोलाहल अनुभव कंपन स्वाद स्वरभंग पलायन मूर्छा संचारी भाव आवेग शंका दैन्य चिंता। उदाहरण उदर नगरी सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेंक उंगली उगलती फन फैलाए ब्यालों सी चिंता सर्ग कामायनी जयशंकर प्रसाद। यहाँ प्रलयकालीन समुद्र का भय प्रद चित्रण किया गया है अतः भयानक रस है। प्रलय काल में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आलंबन है देवगण आश्रय है भय स्थायी भाव है अतः भयानक रस है। आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात परिवर्तन कविता पंत। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय बिकल बटो ही बीच ही परयो मूरछ खाए। रसराज श्रृंगार। रस कितने प्रकार के? 9। औधो मोहि ब्रज बिरस बिसरत नाही हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुम की छाया। श्रृंगार रस हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। विभस रस का स्थायी भाव जिगुप्सा घृणा। शोभित कर नवनीत लिए घुटर रुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। वात्सल्य रस। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। काव्य में कितने रस होते हैं? 9। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। रौद्र रस। शत्रु अथवा अमनीत व्यक्ति को चेष्टाओं गुरुजनों की निंदा अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विभाव आदि से युक्त होकर रौद्र रस में परिणित होता है। इसके अवयव इस प्रकार है स्थायी भाव क्रोध आलंबन शत्रु विपक्षी विषद्रोही गुरुद्रोही दुराचारी व्यक्ति उद्दीपन कटु वचन शत्रु के द्वारा किए गए अपराध अनुभव नेत्रों का लाल होना होंठ फड़फड़ाना दांत भीचना संचारी अमर्ष मोह मद जड़ता गर्व स्मृति। उदाहरण बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बरन बाजी सरथही बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्षण करे अरिहा समरथही।
यहाँ परशुराम आश्रय, राम लक्ष्मण आलंबन है, शिव धन धनुष उद्दीपन है। परशुराम की गर्वोक्तियाँ अनुभव है, गर्व एवं अमर्ष संचारी है तथा रोध की अभिव्यक्ति हुई है करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से करुण रस में परिणित होते हैं। उनके अवयव निम्न है, स्थायी भाव शोक आलम्बन, प्रिय जन का मृत शरीर, इष्ट नाश, संचारी निर्भेद, ग्लानि चिंता, मोह विषाद, दैन्य अनुभाव, अश्रु विपल विलाप, वैवर्ण्य शिथिलता, स्मृति लोप। उदाहरण के लिए राधो गिद्ध गोद करी लिन्हा लिन्हो नयन सरोज स्नेह ललित लली सलील सूची मनहू अर्घ जल दिन हो। जहाँ जटायु की मृत्यु का प्रसंग है, मृत जटायु आलंबन है, राम आश्रय है, जटायु का शरीर उद्दीपन है, राम का आंसू बहाना अनुभव है, चिंता क्रोध स्मृति संचारी भाव है, अतः राम का शोक करुण रस में परिवर्तन हुआ है। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वाह वातहत लतिका वट, सुकुमार पड़ी है छिन्नधार। विभत्स रस घृणा नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर विभत्स रस में प्रणीत होता है। इसके अवयव निम्न है, स्थायी भाव जुगुप्सा आलंबन मांस रक्तता अस्थि शमशान दुर्गंध उद्दीपन रक्त मांस आदि का सड़ना कुत्ते गिद्ध आदि द्वारा शव नोचना अनुभाव थूकना नाक भौं सिकोड़ना रोमांच संचारी मोह जड़ता व्याधि। उदाहरण सिर पर बैठे काग आँखी दो खात निकारत खींचत जीभ ही शार ति आनंद पूर्व धार। यहाँ स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है, पाठक आश्रय है, आलंबन शमशान का दृश्य है, काग द्वारा आंख निकालकर उद्दीपन है। इन सब से पुष्ट होकर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभत्स रस में परिणित हुआ है। अद्भुत रस किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में जो विस्मय नामक स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणित हो जाता है। इसके अलावा निम्नवत है, स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य आलंबन अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाला वाली वस्तु उद्दीपन आलंबन के गुण अनुभव नेत्र फैलना रोमांच संभ्रम संचारी वितर्क भ्रांति हर्ष आवेग आदि। उदाहरण अखिल अनुभव अखिल भुवा भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मानु चिकित चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुल कातु सेनापति। यहाँ माता कौशल्या आश्रय है, शिशु राम के मुख में सभी लोगों को देखना आलंबन है, चकित होना रोमांच, आंखों में फैलना अनुभव, इन
सबसे पुष्ट होकर विस्मय स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो गया है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? संगा रसा। शोभित कर नमनित लिए वात्सल्य, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? अनुभव। ठ ढ ढ वर्णों के प्रयोग से संबंध काव्यों के किस गुण? भोज। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? शोक। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत। अति मलिन वृष भानुकुमारी विप्रलम्भ श्रृंगार। किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू वात्सल्य। श्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार। वृत्ति के चार प्रकार, कौशिक वृत्ति श्रृंगार के लिए, सात्विक वृत्ति वीर रस के लिए, आरभटी वृत्ति रौद्र और विभत्स रस के लिए, भारतीय वृत्ति शेष अन्य रसों के लिए। यूपी SSSC द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में पूछे गए रस से संबंधित प्रश्नोत्तर। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भारत मुनि। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? विभुस विभत्स। हे खग मृग हे मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वियोग श्रृंगार रस। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए करुण रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। निशि दिन बरसत नयन हमारे। वियोग श्रृंगार। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे मेरो पति सोई श्रृंगार। भारती वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। भारत के सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है स्थायी भाव का? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। वाक्य रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य विश्वनाथ। केशव कही न जाइए का कही, देखत तव रचना विचित्र अति, समूझी मन ही मन रही है। अद्भुत। जहाँ तहाँ मजा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जीत जीत छिटके हाड़ सेत कहू कहूँ रतना रे। विभत्स रस। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? शांत। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? स्थायी भाव।